तो देखो दोस्तों, आज मैं बोलने जा रहा हूँ कृतिकारकम यानी कि प्रथमा विभक्ति, ठीक है। तो इनमें से चार जो है बहुत गुरुत्वपूर्ण है और आप लोगों के सामने मुझे बोलना भी पड़ेगा। जो है देखिए, उदाहरण यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, शिशु किरति। तो शिशु किरति, जब कोई व्यक्ति या जब कोई कर्ता जब खुद का काम खुद ब खुद करे, ठीक है। शिशु किरति यानी यहाँ पर क्या, शिशु जो ये जो पद है, ठीक है, ये पद शिशु जो अपना काम खुद ब खुद कर रहा है यानी कि खुद ब खुद खेल रहा है, शिशु किरति। तो जब ऐसा दिखाई देगा कि कोई पद यानी कि जो कर्ता है, शिशु यहाँ पर कर्ता हो रहा है, किरति जो है यहाँ पर क्रियापद है, तो जब कर्ता कोई भी काम खुद ब खुद करेगा तब होगा स्वतंत्रः कर्ता, ठीक है। तो स्वतंत्र का मतलब क्या हो रहा है, जब कर्ता कोई भी काम खुद ब खुद करेगा, यानी कि यहाँ पर जो शिशु किरति हो रहा है ना, तो ये शिशु जो पद है तो इसमें देखा जा रहा है कि शिशु जो करता है वो अपना काम खुद ब खुद कर रहा है यानी कि अपना खुद ब खुद खेल रहा है, शिशु किरति। तो ये जो है ये अर्थ है स्वतंत्र का, जब कोई कर्ता खुद ब खुद काम करे। तो शिशु किरति जब यानी कि जब कोई कर्ता अपना काम खुद ब खुद करेगा तब होगा स्वतंत्र कर्ता, इस सूत्र के माध्यम से होगा कृतिकारकम, ठीक है। तो शिशु किरति जब कोई कर्ता अपना काम खुद ब खुद करेगा और करते की नीचे पे ऐसे दे रहा यानी कि ऐसे आपको दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगा, तो ये जब रहेगा ना तब होगा स्वतंत्र कर्ता सूत्रानुसारे कृतिकारकम। अब थोड़ा नीचे आ जाता है, गुरुः शिष्यं वेदं पाठयति। तो गुरुः शिष्यं वेदं पाठयति, इस वाक्य में क्या देख रहे, गुरु शिष्यों को वेद पाठ दे रहा है। तो गुरु शिष्य को वेद पाठ दे रहा है, ठीक है। जब कर्ता खुद ब खुद काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जब कोई कर्ता खुद ब खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन एक किसी को देकर काम करा रहा है, गुरु शिष्यं वेदं, गुरु शिष्य को वेद पाठ दे रहा है, जबकि एक जो करता है किसी एक के सहारे में किसी काम करा रहा है। ये जो करता हैगा ना, जो कर्ता खुद ब खुद पाठ नहीं कर रहा है लेकिन किसी के लिए जो पाठ कर रहा है, गुरु शिष्यम वेदम पाठ, गुरु शिष्यों को वेद पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब कोई कर्ता खुद के लिए नहीं कर रहा है लेकिन किसी की स्वार्थ के लिए कर रहा है जो काम, तो गुरु शिष्यों को गुरु शिष्यम वेदम पाठ, गुरु शिष्यों को वेद पढ़ा रहा है, ठीक है। जब कोई कर्ता ऐसा करता है, जब खुद ब खुद नहीं करता है किसी के लिए कर रहा है, और जब, ठीक है ना, जो किसी के लिए कर रहा है, जैसे गुरु जो है ये पद जो है गुरु शिष्यम वेद, गुरु शिष्य को वेद पढ़ा रहा है, तो ये गुरु जो पद है ये होगा प्रयोजक, ठीक है, प्रयोजक कर्ता यानी कि हेतुकर्ता भी इसको बोला जाता है। तो इस दौरान क्या सूत्र आएगा, इस दौरान जो सूत्र जो हमारे सामने पाणिनि ने दिया है वह तत् प्रयोजक हेतुश्च। जब कर्ता किसी के लिए काम कर रहा है तो गुरु शिष्यम वेदम पाठ, गुरु शिष्यों को वेद पढ़ा रहा है, तो गुरु शिष्यों के लिए पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए गुरु जो पद होगा ये प्रयोजक हो जाएगा, किसी के लिए कर रहा है ना, खुद के लिए नहीं कर रहा है, तो गुरु शिष्यों को वेदम पाठ रहती, गुरु शिष्यों वेदम पाठ रहती, इसलिए तो तत्प्रयोजक हेतुश्च इसकी इस सूत्रानुसार ये भी कृतिकारकम हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा, तो गुरु शिष्यम वेदम पाठ, बार बार देखिए, तो गुरु जब एक कर्ता किसी के लिए काम कर रहा है ना, तो गुरु शिष्यम वेदम पाठ, शिष्यों को वेद पढ़ा रहा है, तो गुरु शिष्यों को जब वेद पढ़ा रहा है तब क्या होगा, तत्प्रयोजक हेतुश्च, इस सूत्र के माध्यम से प्रयोजक हेतुश्च, तो तत्प्रयोजक हेतुश्च। जब प्रयोजक, जब कर्ता कोई काम खुद नहीं कर रहा है किसी के लिए करवा रहा है, तो ऐसे बात पे ऐसे शब्द पर जो होगा वो प्रयोजकता हेतुकर्ता होता है, तो तत्प्रयोजक हेतुश्च इस सत्य के माध्यम से। जब इसी कोई पद यानी कि ऐसे कोई वाक्य आपके सामने दिखाई देगा और ऐसे किसी जब दोनों कर्ता होगा ना, तब
जब जिस कत्ते में ऐसे एरा लगा हुआ होगा और ऐसे समझा आएगा भाई वो जो काम कर रहा है खुद के लिए नहीं कर रहा, किसी के सिखाने के लिए कर रहा है या किसी के लिए कर रहा है, तब जाकर ऐसे पद में हो जाएगा प्रयोजक कत्ता यानी कि हेतु कत्ता। तो तत्प्रयोजक हेतुश्च ऐसे सूत्रानुसार हो जाएगा कर्ति कारकम। ठीक है, तो ये गया स्वतंत्र कर्ता, तत्प्रयोजक हेतुश्च कर्ता। अब नीचे की तरफ थोड़ा आ जाते हैं, यह पर बोला गया हे पीतः, हे पीतः संबोधने च। तो हे पीतः क्या होता है, तो इसमें किसी को संबोधन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा जो विस्मय सूचक चिन्ह है यानी कि वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और होता है तो हे पीतः संबोधने च ऐसे सूत्रानुसार संबोधन, हम पिता को संबोधन कर रहे हैं यानी कि पिता को ही बोल रहे हैं हे पीतः। तो जब हम पिता को जब बोल रहे हैं तो पिता को हम संबोधन करके बोल रहे हैं, पिता को ही बोल रहे हैं। तो संबोधन मतलब जिस व्यक्ति का हम उस व्यक्ति की संबोधन करके बोलते हैं, और इसकी पूर्व जो होगा ये जो विस्मय सूचक यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन वो होगा। ठीक है, हे इस हे पद का प्रयोग दिखाई आपको देगा, तो इससे आप समझ पाएंगे भाई इसमें संबोधन करके किसी को बोला जा रहा है। तो इस जगह पर क्या होगा, संबोधने च इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगा ये प्रथमा विभक्ति। तो हे पीता है जब होगा, ऐसे जब पद होगा तो हे का प्रयोग होगा, विस्मय सूचक ऐसे चिन्ह आपको दिखाई देगा। और पीता इस पद के नीचे जब नारे होगा तब होगा क्या, संबोधन चाह ऐसे सूत्रानुसार के माध्यम से प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिता का जो है संबोधन करके बोला जा रहा है। तो संबोधन चाहिए इस सूत्रानुसार प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाइए, त्वांग पंडिता इति जानामि, तांग पंडिता इति जानामि। तो तंग पंडिता इति जानामि, तंग पंडिता इति जानामि, तो हम इसे पंडित रूप से जानते हैं। ठीक है, तम पंडिता इति जानामि, तो तम पंडिता इति जानामि। तो ऐसे इति जब इस ऐसे इति शब्द का प्रयोग बाद में होगा ना, तब क्या होगा, कचिन नीत्या कचिन निपातेन विधानम, कचिन निपातेन विधानम। तो आपको जो इति और इति यानी कि ये जो एक अव्यय है, तो इस अव्यय जैसे ऐसे अव्यय का प्रयोग अगर किसी भी कर्ते की बाद में होगा ना, किसी भी कर्ता का बाद में होगा प्रयोग, तब जाकर क्या हो जाएगा, वो इति अव्यय प्रयोग हो रहा है। तो आप बस ऐसे ही कचिन निपाते ना विधानम उस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा उस पर। तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बाद में इति इस अव्यय का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, तो ध्यान देना पड़ेगा जब कोई वाक्य ऐसे देगा, ताम पंडिता इति जानम या दशरथ इति ख्यात राजा आसीत, तो इति इति शब्द का बाद में प्रयोग हो रहा है कि नहीं आप लोगों को बस ध्यान देना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसे ध्यान देगो ना, ध्यान देगा तो आप लोग को समझ में भी बिल्कुल आ जाएगा। तो ताक पंडिता इति जानामि, तो इस इति शब्द के प्रयोग के वजह से ही यहाँ पर कचिन निपातेना विधानम इस सत्र के माध्यम से हो जाएगा भाई ये प्रथमा विभक्ति। तो ये आप कर्तिकारकम में बेसिक कर्तिकारकम प्रथमा विभक्ति सीखने के लिए भाई, तो आप लोग को ये चार सूत्र बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। स्वतंत्र कर्ता से कर्तिकारकम, जब कोई कर्ता एक खुद बखुद काम अपना खुद बखुद कर लेता है, तो शिशु की रति शिशु खुद बखुद खेल रहा है, तो ऐसे स्वतंत्र कर्ता के सूत्र के माध्यम से ये हो जाएगा कर्तिकारकम। जब कोई कर्ता अपने लिए नहीं किसी के लिए कर रहा है ना, तब वो जो हो जाएगा प्रयोजक कर्ता यानी कि हेतु कर्ता भी बोला जाता है। तो गुरु शिष्य वेद पर, तो गुरु शिष्य को वेद पढ़ा रहा है, तो गुरु पद के नीचे, तो ये जो हो जाएगा तत्प्रयोजक हेतुश्च इस सूत्र के माध्यम से कर्तिकारकम हो जाएगा। जब कोई कर्ता को संबोधन करके बोला जा रहा है हे पीतः, ऐसे हे शब्द का प्रयोग होगा, बाद में विश्व सूचक जो चिन्ह का प्रयोग होगा, तब जगह क्या हो जाएगा भाई उसको संबोधन चाहिए सूत्रानुसार प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाइए, त्वाम पंडिता है इति जानामि, जब ऐसे किसी हो जाएगा ना इति अव्यय का प्रयोग होगा बाद में, ठीक है, तब ऐसे बस किसी भी बात को चिंता मत करिए और उसी दौरान आप बस इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, कचिन निपाते ना फितानाम इस सूत्र का प्रयोग करके हो जाएगा भाई प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो जैसी बात है थोड़ा बहुत कर्तिकारकम प्रथमा विभक्ति का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप लोगों को मैं समझ बोल पाऊँगा, तो मैंने जितना बोला शायद आप लोग समझ भी पाएंगे और समझ
समझ भी चुके हैं। तो अगर इस वीडियो को अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सुप्रभात, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।